अबे तेरा कृष्णा कैसा है जो लंगी लड़कियों के कपड़े चुराता है? ऐसा मैं नहीं बल्कि ऐसा वो लोग बोल रहे हैं जिनका घर खुद 2 किलो चावल से चलता है। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आज मैं उन गधों को समझाना चाहता हूँ कि सुनो गधो, तुम बस सुनी सुनाई बातें ही कह सकते हो, हमारे ग्रंथों को तो पढ़ नहीं सकते, तुम्हें पढ़ना ही कहाँ आता है। दरअसल आप जो टीवी सीरियल पर देखते हैं वो रियल में गोपियां नहीं बल्कि सिद्ध पुरुष थे, जो गोपियों का भेष धारण करके केवल ज्ञान देने के लिए उन्हें पृथ्वी पर भेजा गया था। आपने तो देख लिया कि जब गोपियां पानी पर निर्वस्त्र होकर नहाने के लिए गई, वैसे 12 साल के भगवान कृष्ण उन सबके कपड़े चुराकर पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए और उन सबको देखने लगे। लेकिन अब रियलिटी जान लो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण इस वजह से किए क्योंकि वो गोपियों के अलावा पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहते थे कि सुनो गोपियां, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम पानी के अंदर बिना कपड़ों के हो तो कोई देख नहीं रहा है, लेकिन असल में तुम्हें जल के देवता यानी कि वरुण देव, वायु देव, ये पेड़ पौधे, जीव जंतु और तो और ये 10 दिशाएं तुम्हें देख रहे हैं। जरूरी नहीं कि तुम्हें कोई मनुष्य ही देखे। और आपको ये बात तो पता ही होगा कि पहले के लोग हर चीज को साक्षी मानकर प्रण लेते थे। तो आप मुझे बताओ कि कण कण में भगवान है या नहीं? अगर हाँ तो कमेंट्स में हाँ फैक्टोग्राम।